मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा नहीं विश्वास है कि आप कुशल मंगल ही होंगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, चलिए, यदि आप भी किसी से बेपनाह मोहब्बत करती हैं और वो आपका प्यार का कदर नहीं करती है, आपके प्यार को समझ नहीं पाती है, आपके प्यार का भावना को नहीं समझ पाती है, तो इस सिचुएशन में हम एक ही क्रिया करते हैं जो कि है वशीभूत, वशीकरण। वशीकरण एक ऐसी क्रिया है, वशीकरण एक ऐसी अद्भुत क्रिया है जिस क्रिया से लाखों भक्तों का कार्य हुआ है और आपका भी होगा। यदि कोई जमीनी विवाद हो तो वशीकरण कर सकते हैं। यदि आपका प्यार खो गया हो तो वशीकरण कर सकते हैं। यदि आपका प्यार आपसे दूर हो गया हो तो वशीकरण कर सकते हैं। और अगर आपकी पत्नी आपसे दूर हो गई हो तो भी वशीकरण कर सकते हैं। आपका पति आपसे दूर हो गया हो तो भी वशीकरण कर सकते हैं। यानी वशीकरण, वशीकरण उसे ही कहते हैं जिसको आपस में जोड़ता है, उसी को वशीकरण कहते हैं। तो अगर आपस में तालमेल बनाए रखना है, आपस में जोड़ मिलकर रहना है, अगर किसी के साथ कुछ विवाद होता है तो उस पर वशीकरण करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं, यदि आपका भी प्यार आपसे बिछड़ गया है, यदि आपका भी पत्नी आपकी बात नहीं मानती है, यदि आपका पति आपके बस में नहीं है, यदि आपका बहुत पुराना हुआ पुराना प्यार है जो उभर कर सामने आया है और उसको अपने वशीभूत करना चाहते हैं, उसके ऊपर वशीकरण करना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे भक्तों, ये बहुत ही पावरफुल वशीकरण टोटका है। इसको एक बार कर दीजिएगा, आपका प्यार आपके पास रहेगा, आपका जो भी समस्या हो आपसे दूर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भक्तों, चलिए हम बताते हैं इसको कब और कैसे करना है। यदि आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटा सा विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मेरे प्यारे भक्तों, चलिए हम बताते हैं करना क्या है। करना कुछ नहीं है, तुलसी का पौधा तो आप लोग जानते होइएगा जो कि हर घर में मिल जाएगा आपको। तुलसी का पत्ता लेना है, 11 ठो पत्ता तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद एक प्लेट में रखना है और रखने के बाद थोड़ा सा चंदन और थोड़ा सा कुमकुम रखना है और थोड़ा सा चावल रखना है और रखने के बाद उसको एक साथ मिला देना है, यानी चंदन से पूरे पत्ता हरा से लाल दिखाई देने लगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, चलिए हम बताते हैं इसको वशीकरण कैसे करेंगे, उस पत्ता के साथ वशीभूत हम कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, चलिए हम बताते हैं कि इसको कब और कैसे करना है। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के रात में, गुरुवार के रात में इसको करना है आपको। 11 करीबन 11 बजे के बाद इस क्रिया को आप कीजिएगा और कैसे करना है हम आपको बताते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, इस क्रिया को आप गुरुवार के रात में करना है और कैसे करना है, उसमें थोड़ा सा चावल रख देना है, कुमकुम, सिंदूर और तुलसी का पत्ता है और चारों सामग्री को मिश्रण कर देना है। मिश्रण करने के बाद आपको 2 लवंग लेना है और 2 लवंग लेने के बाद उस लवंग के साथ वशीभूत करना है, वशीकरण करना है। 3 शब्द ही बोलना है, ओम ह्रीम क्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम क्रीम स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार उस लवंग के साथ वशीभूत करना है, उस लवंग के साथ वशीकरण करना है। और जब आपका 108 बार पूरा हो जाता है तो आपको क्या करना है, उस लवंग को उसमें डाल देना है जहां आप तुलसी का पत्ता रखे हुए हैं। और डालने के बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाल कपड़ा में उसको बांध देना है और बांधने के बाद आपको करना क्या है, उसको अपने घर के भंडार कोने के पास जाके दफन कर देना है। जिस समय दफन कीजिएगा आपका असर चालू हो जाएगा, आप चमत्कार देखिएगा कि आपका प्यार का फोन 2 मिनट बाद आपका कॉल आ जाएगा, 2 मिनट बाद आपसे प्यार करने लगेगी और आपसे बात करने लगेगी, खोया हुआ प्यार आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये बहुत ही पावरफुल वशीकरण टोटका है कि जो आपकी मदद के लिए है, आपका मदद कर सकता है और आपका कार्य सीधे हो सकता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, यदि आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटा सा विनती है
कि जाते समय मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे।